नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही चटपटी और टेस्टी लाल मिर्च और लहसुन की सूखी चटनी, जो किसी भी खाने के स्वाद को, जैसे दाल सब्जी सब्जी हो गई, परांठे पूड़ी हो गई, उसके स्वाद को बढ़ा देगी। इसे आप टिफिन में भी दे सकते हैं, सफर में भी ले जा सकते हैं। ये जल्दी खराब नहीं होगी। आप इसे एक बार इस चटनी को बनाएंगे तो इसे आप 4 से 5 महीने तक आराम से खा सकते हैं। ये जल्दी खराब नहीं होती। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। लहसुन और मिर्ची की चटनी बनाने के लिए हमने ले ली है सूखी लाल मिर्ची। ये 50 ग्राम के करीब है। ये बिल्कुल हमने सूखी हुई लाल मिर्ची ली है। मैंने ली है कम तीखी वाली मिर्ची, लेकिन मैंने और भी कम तीखे के लिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची का भी प्रयोग किया है। आप कोई भी नॉर्मल मिर्ची ले सकते हैं इसमें। अगर आप ज़्यादा कम तीखा पसंद करें तो आप जब इसकी डंडियां हटाएं तो उसके साथ अगर बीज भी निकाल देंगे तो ये कम तीखी हो जाएंगी। इसलिए मैंने इसके बीजों को नहीं हटाया है, सिर्फ इसकी डंडियों को हटाया है, क्योंकि मैंने कम तीखी वाली मिर्ची ली है। ये 50 ग्राम के करीब है। इसको मैंने वॉश नहीं किया है, अच्छे से पोंछ लेना है, बिल्कुल भी पानी नहीं यूज़ करना इसमें। अब हमने क्या किया है, हमने ले लिया 1 कटोरी लहसुन, फ्रेश लहसुन लिया है। ये ग्राम के हिसाब से 125 ग्राम के करीब लहसुन है। जितनी हमने मिर्ची ली है उससे ज्यादा इसमें लहसुन डलेगा। इसे पहले आप छील कर तैयार कर लें। चटनी बनाने के लिए मैं स्मोक्ड मस्टर्ड ऑयल का यूज कर रही हूँ। मैंने सरसों के तेल को तेज गर्म कर ठंडा कर लिया था। मैं उसमें चटनी बनाऊंगी, क्योंकि हम कोई भी चटनी या अचार बनाते हैं सरसों के तेल में बनाते हैं, वो बहुत ही टेस्टी बनती है और लंबे समय तक चलती है और जल्दी खराब नहीं होती है। मैं इसलिए इसका यूज कर रही हूँ। अब ले लेंगे एक पैन, गैस ऑन करेंगे, उसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून स्मोक्ड मस्टर्ड ऑयल और उसे गर्म कर लेंगे। जब ये गर्म हो जाए तो गैस को बिल्कुल स्लो कर लें, ज्यादा तेज गर्म नहीं करना। अब डाल देंगे इसमें मिर्ची। मिर्ची को हमने कम गैस पर ही फ्राई करना है, ऐसे ही चलाते हुए, तेज गैस पे ना करें, नहीं तो ये जल जाएगी। हमने इसकी नमी को खत्म करना है। मिर्ची हमारी फ्राई हो चुकी है, हमने कम गैस पे इसे फ्राई किया है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसको करने में हमारे 2 से 3 मिनट लगे हैं। अब हम इसी ऑयल का यूज करेंगे। अब इसमें लहसुन डाल देंगे। लहसुन को भी हमने कम गैस पर ही ऐसे चलाते हुए ही फ्राई करना है, अच्छे से पक जाए और इसका नमी खत्म हो जाए। इसे करने में हमारे 10 मिनट लगेंगे, लेकिन हम बीच बीच में इसमें और चीज़ें भी ऐड करेंगे, लेकिन इसको कम गैस पे ही करें, नहीं तो ये भी जल जाएगा और इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। 3 मिनट हो चुके हैं इसको हमें पकाते हुए। अब हमने क्या करना है, इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून डाल देंगे जीरा, इसे मिक्स कर दें। 2 टेबलस्पून के करीब मैं डाल रही हूँ इसमें इमली। ये हमने बिना बीज की इमली ली है, इसे भी हमने इसमें सॉफ्ट करना है और गैस को हमने स्लो करना है, तभी अच्छी बनेगी। ये 3 मिनट हो गए हैं इसे पकाते हुए, इमली भी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे नमक। नमक इसमें थोड़ा ज्यादा डलेगा, 1.5 चम्मच में डाल रही हूँ। अभी इसको हमने और पकाना है, ऐसे ही कम गैस पे चलाते हुए ही। ये 10 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए, ऐसे ही हमने कम गैस पे चलाते हुए इसे पका लिया है। लहसुन में भी अच्छा सा कलर आ गया है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। ये ठंडा हो चुका है। अब हमने क्या करना है, एक मिक्सी का जार लेना है, उसमें इसको डाल दें। अब जो हमने मिर्ची फ्राई करी थी वो भी इसमें डाल देंगे। अब इसको हमने बिना पानी के पीसना है। एक बारी मिक्सी में चला लें पहले इसे। हमने इसे चला लिया है। मुझे थोड़ी दरदरी लग रही है, मैं 1 टेबलस्पून स्मोक्ड मस्टर्ड ऑयल और डाल रही हूँ इसमें और इसे मिक्स करते हुए एक बारी मिक्सी में और चला लेंगे। हमने इसको चला लिया, ये चटनी बनकर तैयार है।
आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप कमेंट्स करके जरूर बताएं कैसी लगी। धन्यवाद।